ने ये जो अनवांटेड 72 गोली है इसको 24 घंटे के अंदर अंदर ले लिया था। इस केस में इमरजेंसी की कंडीशन में आपातकालीन स्थितियों में अंदर अगर किसी महिला को उल्टी आ जाती है, वोमिटिंग हो जाती है, तो इस गोली अनवांटेड 72 गोली को लिया और 12 घंटे के बाद अगर रिलेशन बनाने से पहले लेती हो तब भी ये गोली अपना काम नहीं करती है, ऐसी कंडीशन में अनवांटेड 72। वेलकम है गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में अनवांटेड 72 के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो गोली है ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है, मतलब ये आप लोगों को प्रेगनेंसी से बचाती है अगर आप लोगों को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। कब इसको यूज़ करना होता है? इस गोली को तब यूज़ करना होता है जब आप लोगों का इंटरकोर्स हो और आप लोगों ने कोई सेफ्टी, कोई प्रोटेक्शन यूज़ ना की हो, तब आप इस गोली को यूज़ कर सकते हो। अब इस गोली के बारे में लोगों की एक कन्फ्यूज़न रहती है, डाउट रहता है कि क्या इस गोली को खाने के बाद भी प्रेगनेंसी हो सकती है, तो ये कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। देखिए, ये जो गोली है एक हार्मोनल गोली है, इसके कुछ फेलियर रेट भी होते हैं, मतलब कि कुछ कंडीशंस में ये गोली अपना काम नहीं करती है। जैसे कि मैं आप लोगों को इसका जो फेलियर केस है वो भी दिखा देता हूँ, मेरे पास बहुत बार इसके फेलियर केसेस भी आते रहते हैं। देखिए, पेशेंट ने ये जो अनवांटेड 72 गोली है इसको 24 घंटे के अंदर अंदर ले लिया था इस केस में, और फिर भी उनको प्रेगनेंसी हो गई। ये जो गोली है इसको वैसे तो 72 घंटे में लेना होता है, लेकिन पेशेंट ने 24 घंटे के अंदर ले लिया, फिर भी उनको प्रेगनेंसी हो गई। कारण क्या था वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस गोली के कुछ फेलियर रेट भी होते हैं, कभी कभी लोगों को प्रेगनेंसी हो भी जाती है। अब अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है तो उसे हम लोग दवाइयों से ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी लोगों को एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो जाती है इस गोली को लेने के बाद भी, तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को ऑपरेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग आगे ये डिस्कस करेंगे कि अनवांटेड 72 जो गोली है वो किन कंडीशंस में अपना काम नहीं करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। देखिए, ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि जो अनवांटेड 72 गोली है वो एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है, मतलब इसे इमरजेंसी की कंडीशन में आपातकालीन स्थितियों में यूज़ करना होता है। अब जो इमरजेंसी है वो लाइफ में डेली तो नहीं आती है, कभी कभी आती है, तो ये जो गोली है ये गोली आप लोगों को सिर्फ 6 महीने में एक बार यूज़ करनी होती है, या साल में आप लोग 2 बार इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोग 6 महीने में एक बार से ज़्यादा इस गोली को यूज़ करोगे तो इसके फेलियर रेट इंक्रीज़ हो जाएंगे और आप लोगों को प्रेगनेंसी हो सकती है। कंडीशन नंबर 2, अनवांटेड 72 पिल को, गोली को खाने के 90 मिनट के अंदर अंदर अगर किसी महिला को उल्टी आ जाती है, वोमिटिंग हो जाती है, तो इस गोली को रिपीट करना होता है। अगर आप लोग रिपीट नहीं करते हो, वापस से ये गोली नहीं लेते हो, तो आप लोगों को प्रेगनेंसी हो सकती है। फिर आप लोग बोलोगे कि इस गोली ने अपना काम नहीं किया। नंबर 3, ये जो गोली है ये ओवल्यूशन को होने से रोकती है, मतलब कि महिलाओं को जो अंडा फूटता है, जो ओवल्यूशन होता है, उसको होने से ये रोक देती है, उसको डिले कर देती है, उसको पोस्टपोन कर देती है। लेकिन अगर महिला को ओवल्यूशन हो जाता है तो ये गोली अपना काम नहीं करती है। अब किस दिन ओवल्यूशन होता है उसको पता करने का एक सिंपल सा मेथड होता है। मान लीजिए कि किसी महिला को 30 दिनों का पीरियड साइकिल है, मतलब कि जो मासिक चक्कर है वो 30 दिनों का है, तो जो पहले 10 दिन होते हैं वो पूरी तरह से सेफ होते हैं, और जो लास्ट वाले 10 दिन हैं वो भी पूरी तरह से सेफ हैं, लेकिन जो बीच वाले 10 दिन हैं, 11 से 20 तारीख तक के जो दिन हैं, 10 दिन, वो अनसेफ माने जाते हैं। ये फर्टाइल टाइम होता है जहां पर महिलाओं को ओवल्यूशन होने के चांसेस इंक्रीज होते हैं, और ओवल्यूशन के टाइम ही प्रेगनेंसी होती है। तो जो पहले 10 दिन हैं और जो लास्ट वाले 10 दिन हैं, अगर आप लोग इस दिनों पर अनवांटेड 72 गोली को यूज़ करते हो डबल श्योरिटी के लिए कि प्रेगनेंसी ना रुके, तो ये गोली अपना काम करती है, ऐसा हम लोग मान के चल सकते हैं। लेकिन जो ये बीच वाले 10 दिन हैं, यहाँ पर अनवांटेड 72 के फेलियर रेट इंक्रीज हो जाते हैं। कंडीशन नंबर 4, अगर महिलाओं को इरेगुलर पीरियड साइकिल होता है, जो कि यूजली हॉर्मोनल इशूज के कारण होता है, जैसे कि PCOD, PCOS, या फिर अगर महिलाओं को हार्मोनल ट्रीटमेंट चल रहा है, हार्मोनल की वो गोलियां खा रहे हैं, या फिर थायराइड की दिक्कत है, या ज़्यादा टाइम से अगर वो स्टेरॉयड थेरेपी ले रहे हैं, और ऐसी सिचुएशन में अगर कोई महिला इस गोली को यूज़ करती है तो इससे अनवांटेड 72 के फेलियर रेट इंक्रीज हो जाती हैं, और ऐसे केसेस में एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस भी
इंक्रीज हो जाता है। कंडीशन नंबर 5, अगर आप लोगों ने अनवांटेड 72 गोली को लिया और 12 घंटे के बाद अगर आप लोगों का दोबारा से फिजिकल इंटरकोर्स होता है और आप लोग अगर कोई प्रोटेक्शन यूज नहीं कर रहे हो तो प्रेगनेंसी लग सकती है, मतलब कि ये गोली अपना काम नहीं करेगी। कंडीशन नंबर 6, अगर आप लोग अनवांटेड 72 गोली को बिफोर इंटरकोर्स लेते हो, मतलब कि फिजिकल रिलेशन बनाने से पहले लेते हो, तब भी ये गोली अपना काम नहीं करती है। कंडीशन नंबर 7, अगर किसी महिला का बॉडी वेट हद से ज़्यादा है, ओबेसिटी की कंडीशन में भी ये गोली अपना काम नहीं करती है, ऐसी कंडीशन में अनवांटेड 72 गोली की डोज को बढ़ाना पड़ता है, तभी ये गोली अपना काम करती है। कंडीशन नंबर 8, अगर आप लोग अनवांटेड 72 गोली को रेगुलरली यूज़ कर रहे हो एज ए रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, तब भी इस गोली के फेलियर रेट इंक्रीज हो जाती हैं और ऐसे केसेस में महिलाओं को एप्टोपिक प्रेगनेंसी होने का रिस्क भी रहता है। तो ये कुछ कंडीशन है जहां पर अनवांटेड 72 गोली अपना काम नहीं करती है। आशा करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रही होगी। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।